हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी फ्रेंड अमृता और आज मैं दिखाने वाली हूँ सीएसयू में एक दिन मेरा कैसा जाता है। तो सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट करके रेडी होकर के निकलती हूँ अपने क्लास के लिए। तो ये सेट मैंने रखा था ट्रिप के लिए, बट प्रोफेसर मान नहीं रहे तो मैंने निकाल दिया। ऑलमोस्ट 500 मीटर दूर पड़ता है हमारा चाणक्य भवन, तो डेली हम लोगों का क्लासेस के लिए और लंच के लिए समझो तो 4-5 किलोमीटर हो ही जाता है। ये रहा हमारा चाणक्य भवन। ये ओपन थिएटर में कुछ चल रहा था जिसका मुझे आइडिया नहीं लगा, तो सुबह सुबह मैं जाती हूँ लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। इस तरह से वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, मैंने सोचा थोड़ा इनसाइट भी दे दूँ लाइब्रेरी का। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट की बुक्स आपको मिल जाएंगी। ये रहा मेरा इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पर ज़्यादा बुक्स तो नहीं है, बस जो फेमस नोबल हैं वही हैं। कुछ थ्योरीज़ की भी हैं, कुछ क्रिटिसिज्म की भी, बट जो प्रोफेसर रेफ़र करते हैं बुक वो सारी बुक्स नहीं हैं। सो ये साइड वाला पोर्शन रहा लाइब्रेरी का। ये रही मेरी प्यारी फ्रेंड धन्यश्री, सी इज़ फ्रॉम केरला, और हम लोग साथ में पढ़ते हैं और मस्ती भी करते हैं। सी इज़ रियली ए जेन्युइन पर्सन। हम जा रहे हैं पढ़ने। तो ये रहा स्टेयर्स उन लोगों के लिए जिनकी हाइट छोटी है और लाइब्रेरी की बुक्स निकालने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। इस तरह से बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग भी अब पढ़ रहे हैं। और फिर मैं कवर करती हूँ कुछ अपने वीडियोस और उसके बाद मैं बनाती हूँ नोट्स, क्योंकि मुझे रात में याद भी करना होता है। और ये जो है सामान रखने का एरिया है। फिर जल्दी जल्दी बढ़ते हैं हम अपने क्लास की ओर। ये रहा हमारा डिपार्टमेंट, एक कॉरिडोर, ये डीन का ऑफिस और ये टॉपर्स लिस्ट। दायां साइड में पड़ता है हमारे प्रोफेसर्स का केबिन, और इस तरह से हमारा सामने का कॉरिडोर। लेफ्ट साइड में पड़ती हैं लॉ की क्लासेस, सामने होती हैं हिंदी डिपार्टमेंट की क्लासेस, और ये 111 जूनियर्स की क्लासेस। इसमें पहले हमारी क्लासेस चलती थी, बट क्योंकि अब हम मैं सेकंड ईयर में हूँ तो हमारी क्लासेस जो हैं वो इसमें चलती हैं। साइड में वॉशरूम और वाटर कूलर, अंदर में कुछ इस तरह से मेरी क्लास है। ये टीचर्स डे का गिफ्ट जो जूनियर्स ने दिया है। ये मेरी प्यारी फ्रेंड्स सुरभि, क्योंकि अब फ्रेशर की तैयारी चल रही है तो लोग मस्ती के मूड में हैं। ये हमारा सीआर जो मुझे हटाकर बना है, इसीलिए इसकी इतनी इज्जत है। ये हमारी प्यारी सौम्या दी, और अगेन क्योंकि उधर गाना चल रहा था तो हम लोग उन्हें वाइब करना स्टार्ट कर दिया, और गाना था मेरे महबूब मेरे सनम। तो कुछ देर बाद जो है मैडम धनश्री को भी डांस करने का मन करने लगा, तो बोलती है मेरे साथ डांस करो। सारे बच्चे पहुंच चुके हैं और 11 बजे से हमारी क्लासेस हैं। हमारी प्यारी सुरभि, इसने कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन दिया जिसे देखकर मैं डर गई। ये हमारे जय भैया जो कि सबके ही भैया हैं। और फिर हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। ये रहे हमारे इक्का सर जो बहुत ही ज़्यादा डीप में पढ़ाते हैं। फिर आज आता है मेरा कोर्स का पार्सल जिसमें सिर्फ बुक्स ही भरी हुई हैं, और ये काफ़ी भारी था। फिर मैं इसे लेकर जाती हूँ क्लास, और क्लास जो है वो शिफ्ट हो जाती है। तो एसी से हम पहुँचते हैं बिना एसी वाले रूम में। यस, सीनियर होकर भी ये दुख झेलना पड़ता है यारो। फिर होती है हमारी रिसर्च की क्लासेस जो लेते हैं मेरे सुपरवाइज़र, और मैम ने फेमिनिज्म पे ऐसा भाषण दिया स्कॉलर मैम ने कि मैं बोर हो गई और हमेशा की तरह कलाकारी कर दिया। और साइड में चलते रहते हैं ओनम की प्रिपरेशन जो कि शाम को है। लंच में मैं आती हूँ और मिलती हूँ अपनी फ्रेंड से और एक प्यारी सब्सक्राइबर से। अगर आप लंच में लेट से आओगे तो आपको इसी तरह से लाइक देखने के लिए मिलेगी। फिर जल्दी से मैं करके लंच पहुंचती हूँ क्लासेस के लिए। और ये कॉरिडोर, यहाँ का नज़ारा ही बहुत खूबसूरत है, और हवा भी यहाँ काफ़ी अच्छा हवा आती है, काफ़ी सुकून मिलता है। इसीलिए मैं जनरली लंच के बाद यहीं खड़ी रहती हूँ, क्योंकि क्लासेस से ज़्यादा मुझे कॉरिडोर पसंद है। बहुत खूबसूरत रंगोली बनाया है साउथ वाले बच्चों ने। जैसे ही हमारी क्लासेस खत्म,
वैसे ही हम पहुंचते हैं एमपी थिएटर में। तो यहाँ पर बाकी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी क्योंकि आज इलेक्टिव क्लासेस नहीं थी, तो और बारिश की वजह से थोड़ा जो है प्रिपरेशन भी स्लो हो गया था। तो हम लोगों ने वेट किया, फिर VC आए और बस, और इस बार उन्होंने 2 मिनट का ही भाषण दिया और गर्ल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत बहुत प्यारा। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया और फर्स्ट टाइम मैंने ये ओनम का सेलिब्रेशन देखा और वेदर भी जो है वो बहुत अच्छा था, तो मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। तो ट्रेडिशनल से लेकर के उन्होंने कुछ तमिल और मलयालम सॉन्ग्स पे भी किए थे परफॉर्म। जैसे ही थोड़ा डार्क होता है वैसे ही लोग अपना फ्लैश जला लेते हैं क्योंकि लाइट का पूरा इंतज़ाम था नहीं, और कुछ गेम्स होता है जैसे ये मटका फोड़ने वाला, तो आँख पर पट्टी बांधकर वो उस मटके को फोड़ना था, तो किसी ने फाइनली फोड़ा भी था। मुझे हेडक हो रहा था तो मैं पहले ही निकल गई प्रोग्राम ख़त्म होने के, तो मैं चाणक्य से होते हुए अपने हॉस्टल की ओर जाती हूँ और काफ़ी अंधेरा हो चुका था। जनरली हमारी क्लासेस 5 बजे तक ख़त्म हो जाती है तो मैं लौट जाती हूँ, बट आज चूँकि सेलिब्रेशन था तो मैं वहाँ गई थी। और मैं पहुँचती हूँ गार्गी सदन, और जैसे ही पहुँचती हूँ वैसे ही ऊपर चढ़ते ही लाइट कट जाती है और अंधेरे में मैं रिकॉर्ड करती हूँ। यह हमेशा की तरह है, यहाँ कभी पानी ख़त्म हो जाता है तो कभी लाइट, रूम में आते ही लाइट आ जाती है। मैंने इस बार ज़्यादा तो नहीं सजाया है, ये रही मेरी स्केचिंग जो मैंने बनाया था, क्योंकि मुझे चीज़ों को खूबसूरत बनाना पसंद है। ये मेरा कैलेंडर और थोड़ा बहुत ज़्यादातर सामान कुछ मैसी है, और ये हाउसवाइफ का मधुबनी पेंटिंग मोटिवेशन के लिए कि ये तो नहीं बनना ज़िंदगी में। दैट्स इट, ये रहा मेरा कुछ स्टफ़। और ऊपर में जो एक्स रूममेट्स ने लगा रखे थे, ये रहा मेरा बुक पार्सल, आज मैंने इसे अनबॉक्स किया और ये मुझे अब कवर करना है सारा। रात को डिनर के लिए हम शॉर्ट्स पहन करने जा सकते, तो ऑब्वियसली ट्राउज़र पहनना है। जिसको सब्ज़ी नहीं पसंद है वो अपना अलग अलग जुगाड़ करता है। इस मैडम ने पनीर रखा है दोपहर वाला। और दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए, डिनर ख़त्म करते हुए मैं थोड़ा सा करती हूँ वॉक इसी कॉरिडोर में मेज़ के बाहर, फिर मैं जाती हूँ स्टडी रूम, फिर वहाँ दोस्तों के साथ गप करते हुए थोड़ा मैं पढ़ती भी हूँ। और आज मैं ये अनबॉक्सिंग करती हूँ अपने छोटे से बैग का, जिसमें होता है बुक, कॉपी, मेरा छाता, लैपटॉप जो कि इसे भारी बना देता है, बोतल क्योंकि स्टील वाला और भारी बना देगा तो मैं प्लास्टिक यूज़ करती हूँ, क्लचर, रुमाल, मेरी छोटी डायरी और सबसे इम्पॉर्टेंट पेन ऑब्वियसली। फिर मैं कुछ कवर करती हूँ अपना वीडियोस नेट के रिगार्डिंग, ब्रिटिश लिटरेचर तो ख़त्म ही नहीं हो रहा 3 महीने से, पता नहीं कितना बड़ा है। और अगर आपका वाईफाई नहीं चल रहा है तो इसी तरह से आप लैपटॉप बंद करके निराश होकर के अपने वीडियोस को नेक्स्ट डे के लिए पेंडिंग में डाल सकते हो, क्योंकि हॉस्टल का तो यही हाल है भैया। और फिर ये ब्रिटिश लिटरेचर के राइटर को कवर करते करते मैं अपना नाम भूल चुकी हूँ। अरे ये रही मेरी प्यारी दोस्त सुरभि, जो कि इतना ख़राब जोक मारती है कि हंसी तो आता नहीं, हेडेक जरूर हो जाता है, और सारा मजाक उसे पढ़ते वक्त ही करना होता है। थक गई हूँ यार मैं इसके जोक सुनकर। सामने रही मेरी प्यारी दोस्त मेघा, जो दूसरे डिपार्टमेंट। सो जो लोग बोलते हैं कि आप रेगुलर ब्लॉग डाला करो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज यू नो इवन योर स्टडीज विद इन योर हेक्टिक शेड्यूल एंड क्लासेस, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू अपलोड रेगुलर वीडियोज और ब्लॉग्स, दैट्स इट। देखते हैं कहाँ तक पॉसिबल होता है, बट स्टेप अब नाउ मैं पढ़ने जा रही हूँ। और इफ़ यू लाइक दैट वीडियो, आई होप दैट यू एंजॉयड इट, एंड इफ़ यू लाइक दैट वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर दोज हू सपोर्टिंग मी एंड स्टिल, एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।